सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है महाषष्ठी का रात, कल है महासप्तमी, मतलब आज है सिक्स्थ डे ऑफ दुर्गा पूजा और कल है सेवेंथ डे ऑफ दुर्गा पूजा, मतलब दशहरा। सो ये दशहरा इवेंट के चलते हम लोग जा रहे हैं शिरडी। तो शिरडी जाएंगे, उधर से फिर भीमाशंकर और उसी के साथ साथ शनि शिंगणापुर, ठीक है। तो तीन कवर करेंगे इस व्लॉग में। भीमाशंकर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो हम लोग इस ब्लॉग में कवर करेंगे उसको पूरा। तो चलते हैं, अभी रात के बजे है 12:30 और हम लोग जा रहे हैं, जाने के लिए अभी निकलेंगे घर से। और अभी पैकिंग हो रहा है, तो पैकिंग कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग निकलेंगे घर से। तो जाते वक्त दो तीन दुर्गा पूजा देखते हुए जाएंगे कोलकाता का, जैसे कोलकाता का दुर्गा पूजा पूरा फेमस है, तो ऑलरेडी मैंने नॉर्थ का देख रखा है, तो अभी थोड़ा सा साउथ होते हुए जाएंगे, दो तीन चार दुर्गा पूजा और देख लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के ओर। तो लेट्स गो, बने रहिए व्लॉग में, बहुत कुछ कवर करेंगे इस व्लॉग में और पूरा जर्नी दिखाएंगे। लेट्स गो। अभी हम लोग जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन की ओर, हम लोग का ट्रेन है उधर से, और अभी रात के 3 बज रहे हैं, बट पता नहीं चल रहा है कि रात के 3 बज रहे हैं। चारों तरफ इतना लाइटिंग है दुर्गा पूजा का। सो अभी वैसे ही रास्ते में ट्रैफिक जैम भी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चलते हैं, फिर उधर से ट्रेन है, तो ट्रेन में उठ के फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी दुर्गा पूजा का 8वें दिन है और अष्टमी के दिन अभी सुबह को हम लोग का ट्रेन उतारा और अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और जा रहे हैं शिरडी की ओर। सो अभी सुबह का 9 बज रहा है, चलते हैं शिरडी, फिर शिरडी में जाके साईं बाबा का दर्शन कराएंगे। लेट्स गो। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज अभी जैसा कि मैंने बताया अष्टमी है, तो मैंने अभी होटल में आके फिर नहा धो के मैंने तैयार हो गया एकदम फ्रेश होके। अभी मंदिर दर्शन करने जाएंगे, श्री साई मंदिर जाएंगे, समाधि मंदिर जाएंगे, फिर द्वारका माई जाएंगे, चावड़ी स्थान जाएंगे, जो भी है इधर मेन मेन जो जो मंदिर है वो सब दर्शन करने जाएंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, अभी मंदिर दर्शन करके फिर थोड़ा खाने जाएंगे। तो अभी जो भी हो, कल हम लोग निकल रहे हैं इधर से शनि मंदिर की ओर, शनि शिंगणापुर जो है, मैंने बताया था शनि शिंगणापुर जो है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इवन सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे इंडिया का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो जाएंगे उधर और उसके बाद वाले दिन दशहरा को हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पे दर्शन करके फिर उसके बाद वाले दिन हम लोग निकल जाएंगे भीमाशंकर की ओर। और भीमाशंकर की ओर हम लोग को दो मंदिर और उधर मिलेगा, एक है लेनियाद्री पे जो गणेश टेम्पल है और उसी के साथ साथ शिवनेरी पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म स्थान है वहाँ पे जाएंगे, वो देखेंगे, वो फोर्ट देखेंगे, फिर हम लोग भीमाशंकर में ज्योतिर्लिंग दर्शन करके वापस सीढ़ी आ जाएंगे। सो बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा कवर करेंगे इस ब्लॉग में। तो कंटिन्यू करते हैं, कल शनि शिंगणापुर जब जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी में अलाउड नहीं होता कोई भी मंदिर में ब्लॉग बनाना,
या फोटो वगैरह लेना, तो इधर वैसे भी मैंने दिखा दिया था ब्लॉग बना के, तो इस ब्लॉग को लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट शनि शिंगणापुर का दिखाएंगे ब्लॉग। सो नेक्स्ट ब्लॉग होगा जो शनि शिंगणापुर का, बने रहिए, पार्ट टू आने वाला है बहुत ही जल्द। तो राम राम भाई सबको। अभी जैसे मैं साईं मंदिर से दर्शन करके आ रहा हूँ, फिर से जाऊँगा, तो अभी मैं होटल में आया थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, और अभी आप लोग को सनसेट दिखाते हैं पीछे। तो अभी इधर बैठे बैठे सनसेट का आनंद ले रहा हूँ, और आप लोग को बताऊँगा मैं, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये जो अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, जो जनवरी में शायद से उद्घाटन होगा उसका, वो मंदिर का, तो हर एक जगह में, सिर्फ ये कोलकाता में नहीं, कि कोलकाता में जो दुर्गा पंडाल बना है राम मंदिर का थीम उस पर दिखाया गया है, सिर्फ यही नहीं, इवन इधर शिरडी साई बाबा संस्थान में भी जो थीम बनाया जा रहा है इस बार दशहरा में, वो भी राम मंदिर ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एज अ हिंदू सनातनी होके बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के, तो हर एक जगह में ये थीम बनाया जा रहा है और ये दर्शकों को दिखाया जा रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जो भी हो, अभी फिलहाल के लिए हम फिर से दर्शन के लिए जाएंगे, तो यही बस अपडेट देना था आप लोग को, बाकी मिलते हैं कल। कल जाएंगे शनि शिंगणापुर, सुबह सुबह एकदम निकल जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे इधर वापस, तो कल निकलते हैं फिर शनि शिंगणापुर, और आप लोग को दिखाएंगे उधर शनि भगवान जो है, हम लोग बड़ा ठाकुर बोलते हैं उनको, तो उनका दर्शन करेंगे, ठीक है, और आप लोग को भी दर्शन कराएंगे उधर, मोबाइल अलाउड है शायद उधर, तो उधर बढ़िया से मैं वीडियो बना के ब्लॉग में अपलोड करूँगा वो सब चीज़ें, बाकी सारी चीज़ तो इंस्टाग्राम में आ जाएगी, जैसा मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट पे अपडेट करता रहता हूँ हर एक चीज़, तो वो सब भी आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो सनसेट दिखाते हैं आपको, सनसेट का आनंद लीजिए आप भी। तो ये देख सकते हैं गाइस, कुछ ऐसा दिख रहा है इधर से सनसेट। ऑलमोस्ट ढल गया सूरज, और ये है कुछ सिटी व्यू शिरडी का, जो मेन एरिया है शिरडी का, ये मेन एरिया है शिरडी का। आज बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ साईं बाबा का, एकदम उतना भीड़ भी नहीं था दशहरा के चलते, क्योंकि भीड़ एक्चुअली कल से होगा, तो कल शायद से उतना दर्शन नहीं हो पाएगा, आज जैसे हम एक दर्शन किए, अभी फिर से जाएंगे और दो बार दर्शन करने, तो अभी इसलिए थोड़ा सा जाते हैं, रेस्ट लेंगे, और बाकी कल ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए पार्ट टू के लिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि कल पार्ट टू अपलोड होगा, उसके बाद फिर पार्ट थ्री अपलोड होगा, तो सारा पार्ट बहुत, मतलब इवन सिर्फ ये ही नहीं, इसके बाद और भी, जैसे द्वारका हो गया, फिर उसके बाद रामेश्वरम, फिर उसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, पहाड़ी वैजनाथ, फिर उसके बाद औंधा नागनाथ, एक एक करके हर एक जगह का ब्लॉग मैं डालने वाला हूँ मेरे इस चैनल पर, तो बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।